सुशांत सिंह राजपूत के घर की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें एक मिस्ट्री वुमन की बात की जा रही है। एक लड़की जो ब्लू टी शर्ट में है, व्हाइट स्ट्रैप वाली टी शर्ट है, मुंह पर मास्क पहना है और उसे सुशांत की डेथ वाले दिन उनकी बिल्डिंग में जाते हुए देखा गया। पहले लोगों का कहना था कि ये रिया चक्रवर्ती है, हालांकि अगर बिल्डिंग के वॉचमैन की बात मानी जाए तो फिर डाउट होता है कि ये रिया चक्रवर्ती ही है, क्योंकि बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि वो तो इस लेडी को जानता ही नहीं। हालांकि लेडी ने मास्क पहना था इसलिए भी वो नहीं पहचान पाया, लेकिन उसका कहना है कि इस तरह की लेडी को उसने पहले कभी बिल्डिंग में नहीं देखा। वेल, अगर ऐसा है तो अब सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ वाले दिन उनके घर के बाहर जब पुलिस का इतना जाप्ता था, इतने सारे बैरिकेड्स लगाए गए थे, तो इस औरत को क्यों अंदर जाने दिया बैरिकेड्स को तोड़कर? क्या काम था, क्या अर्जेंसी थी कि इस लेडी को अंदर जाने दिया गया? इस लेडी की मिस्ट्री और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब एक पिक्चर में ये लेडी उस ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट कैप वाले आदमी के साथ नजर आती है। वो ब्लैक टी शर्ट व्हाइट कैप वाला आदमी वही है जो सुशांत के रूम में नजर आ रहा है वीडियो में। ब्लैक कलर की थैली हाथ में लिए बिल्डिंग के नीचे आता है, वो थैली हाथ में लेता है, थैली फेंक के आता है और फिर वो सुशांत की बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाने की मदद करता है। और इसी मिस्ट्री वुमेन की स्टोरी हमने आपको कल भी बताई थी। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस मिस्ट्री वुमेन को बिल्डिंग का वॉचमैन भी नहीं जानता है, उसने इस तरह की लेडी को कभी भी इस बिल्डिंग में नहीं देखा। तो ये लेडी कौन थी, किसने इसको भेजा था, क्या ये करने आई थी और क्यों आकर इसने उस ब्लैक टी शर्ट व्हाइट कैप वाले लड़के से ही बात की जो एक पॉलिथिन को डंप करके आया था उस टाइम जब सामने एक सुपरस्टार की डेथ हो गई हो और उसे एम्बुलेंस में रखा जा रहा हो? उस चीज से ज्यादा जरूरी उस ब्लैक टी शर्ट व्हाइट कैप वाले के लिए उस पॉलिथिन को डंप करना हो गया था, उस मिस्ट्री वुमेन से बात करना हो गया था। ऐसी क्या बात थी, क्या साइड में एक अलग ही कहानी चल रही थी, क्या कुछ चीजें साफ करने की प्लानिंग चल रही थी, क्या इस लड़की को किसी ने भेजा था किसी की परमिशन से, और क्या इस लड़की को भेजने वाला पुलिस से भी जान पहचान रखता है कि पुलिस के सारे सिक्योरिटी को तोड़कर इस लड़की को बिल्डिंग में आने दिया गया जबकि ये लड़की बिल्डिंग की रेसिडेंट ही नहीं थी? वाकई में बहुत सारी मिस्ट्रीज अब खुलती जा रही है।